इंदौर स्थित चौना चौक में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रांसफार्मर में आग तारों में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी और कुछ ही देर में बड़ी बड़ी आग की लपटें ट्रांसफार्मर से निकलने लगी और धमाके होने लगे। वहीं मौके पर ट्रांसफार्मर के पास स्थानीय लोगों ने अपनी गाड़ियों को भी खड़ा कर रखा था और आग की निकलती लपटों में गाड़ियां भी चपेट में आ जाने से कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, परंतु समय रहते लोगों ने वहां से अपनी गाड़ियों को फटाफट से हटाया। वहीं स्थानीय लोगों में विक्की, बलविंदर कटारिया, केशव, मनीष आदि ने बताया कि उक्त घटनाक्रम की सूचना देने के लिए उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को फोन पर सूचना देने के लिए फोन किया, परंतु कई लोगों के फोन नहीं उठाए गए और जिन लोगों के फोन उठाए गए तो वहां से जवाब मिला कि कहीं और भी आग लगी है, हम वहां पर गए हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने खुद ही मिट्टी डालकर ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया। समय रहते ही आग पर काबू पाया गया, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था।